सभी को जय मसीह। आज हम सीखेंगे प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का अर्थ क्या है। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना वो चीज है जो बड़े बड़े बंधनों को भी तोड़ डालती है। ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में जिनका नाम है पौलुस और सिलास, हम देखेंगे कि इनके जरिए परमेश्वर ने कैसे सामर्थ्य के काम किए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 25 आयत में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास बंदीगृह में होते हुए भी जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने कैसा उनके प्रार्थना के जरिए कार्य किया। जब पौलुस और सिलास ने बंदीगृह में प्रार्थना किया तो वहां के द्वार खुल गए और उनकी जो बंधने थी वो भी खुल गई। ये परमेश्वर से प्रार्थना करने का सामर्थ्य उनको मिला। इससे हम यह जानते हैं कि प्रार्थना के जरिए बड़े बड़े बंधन भी खुल जाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।